डेक कार्गो जहाज हैंगटोंग 70 पाकिस्तान के शहर कराची के साहिल पर 21 जुलाई की सुबह उस वक्त बहा गया जब उसने खराब मौसम में लिंगर को घसीटा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जहाज अमले की तब्दीली के मकसद से कराची से लिंगर अंदाज हवा, इसे कराची पोर्ट पर फोन नहीं करना था। वो सिंगापुर से जा रही है, मंजिल की बंदरगाह गैरवाज है, शायद इस्तांबुल तुर्की। हुकाम ने कराची के सीवीओ पर पेंसे हुए कार्गो जहाज एमवी हैंगटोंग 70 को नकालने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक करीम से लदी कुश्ती पेंसे हुए जहाज से 750 मीटर दूर मौजूद है। माहिरीन ने कहा कि 8 सितंबर के बाद टाइट्स दस्तयाब नहीं होंगी अगर हुकाम 2 दिन के अंदर अंदर जहाज को वापस समंदर में धकेलने में नाकाम रहे। जुलाई में पाकिस्तान बहरिया ने दीगर समंदरी हिस्याफ्तगान के साथ कार्गो जहाज की इंजन भरने का अमल मुकम्मल कर लिया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जहाज को अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तान के इलाकाई पानियों में रोका गया था जब वो बेतरतीब लहरों की वजह से लिंगर खो बैठा और साहिल की तरफ चला गया। कराची कराची के सीवीओ बीच पर खड़े कार्गो जहाज का बचाव ऑपरेशन जुमेरात को एक और अमदादी कोशिश नाकाम होने के बाद अगले माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। पेंसे हुए कार्गो मोटर बर्तन एमवी हैंगटोंग 70 को खींचने की एक और कोशिश में जहाज के साथ बंधी 3 रस्सियों को 12 से 15 मीटर तक घसीटने के बाद काट दिया गया। कुश्ती की कोशिश के दौरान जहाज लोहे और नाइलान की रस्सियों के साथ बंधे जाने के बाद वापस अपनी साबिका पोजीशन पर आ गया। जराया के मुताबिक जहाज का बचाव ऑपरेशन अगले माह तक मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि समंदर में ऊंची लहरों की खड़की ढलते चांद के साथ कम हो गई है। जहाज को दोबारा तैरने की कोशिश 06/09/08/02 को दोबारा शुरू होने का इम्कान है। समंदर में समंदरी लहरों की सूरत हाल के बाद बचाव ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की हतमी तारीफ दी जाएगी। जहाज एमवी हैंगटोंग 70, जिसकी लंबाई 98 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, जिसकी गंजाइश 3,615 टन है, कहा जाता है कि कराची बंदरगाह के बाहर अमले की तब्दीली का इंतजार कर रहा था जबकि गुज़िश्ता माह चीन से तुर्की जाते हुए समंदरी लहरों ने इसे अपने लंगरों से महरूम कर दिया और साहिल की तरफ बहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में अमले के 15 अरकान को कराची के साहिल पर डूबते हुए कार्गो जहाज से बचाया। पाक बहरिया ने बताया कि मुश्तरक रेस्क्यू ऑपरेशन कराची से 180 नॉटिकल मील जनूब में समंदर के खसूसी अक्तसादी जोन में किया गया। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने कार्गो जहाज के अमले की जानों की हिफाजत के लिए हाथापाई की जब बहरिया को खबरदार किया गया कि तिजारती जहाज सवारी एच तेज हवाओं और जहाज में 18 अमले के अरकान के साथ पेंस गया है। फजाई निगरानी पर पाक बहरिया के तैयारों को डूबने वाली जगह पर भेज दिया गया और एक पीएमएस तैयारा और एक जहाज भी फौरी तौर पर अमदाद के लिए रवाना किया गया। ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि पाक बहरिया ने पीएमएस के साथ मिलकर फौरी तौर पर जहाजों और तैयारों को जिम्मेदारी सौंपी कि वो पेंसे हुए जहाज को मदद फराहम करें और कीमती जाने बचाएं। इब्तिदाई तौर पर अमले के 8 अफराद और बाद में मजीद 5 समंदरी मुसाफरों को लाइफ राफ्ट्स की मदद से बचाया गया।
बयान में कहा गया है कि अमले के कम अज कम 15 अरकान को बचा लिया गया है, जबकि 3 लापता अरकान की तलाश और बचाव ऑपरेशन जारी है। अमले के तमाम अरकान का ताल्लुक शाम से था। ये जहाज जो टोगो के झंडे के नीचे सफर डेक कार्गो जहाज हैं, टोंग 70 पाकिस्तान के शहर कराची के साहिल पर 21 जुलाई की सुबह उस वक्त बहा गया जब उसने खराब मौसम में लिंगर को घसीटा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जहाज अमले की तब्दीली के मकसद से कराची से लिंगर अंदाज हवा, इसे कराची पोर्ट पर फोन नहीं करना था। वो सिंगापुर से जा रही है, मंजिल की बंदरगाह गैरवाज है, शायद इस्तांबुल तुर्की। हुकाम ने कराची के सीवीओ पर पेंसे हुए कार्गो जहाज एमवी हैं टोंग 70 को निकालने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक करीम से लदी कुश्ती पेंसे हुए जहाज से 750 मीटर दूर मौजूद है। माहिरीन ने कहा कि 8 सितंबर के बाद टाइट्स दस्तयाब नहीं होंगी अगर हुकाम 2 दिन के अंदर अंदर जहाज को वापस समंदर में धकेलने में नाकाम रहे। जुलाई में पाकिस्तान बहरिया ने दीगर समंदरी हिस्याफ्तगान के साथ कार्गो जहाज की इंजन भरने का अमल मुकम्मल कर लिया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जहाज को अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तान के इलाकाई पानियों में रोका गया था जब वो बेतरतीब लहरों की वजह से लिंगर खो बैठा और साहिल की तरफ चला गया। कराची के सीवीओ बीच पर खड़े कार्गो जहाज का बचाव ऑपरेशन जुमेरात को एक और अमदादी कोशिश नाकाम होने के बाद अगले माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। पेंसे हुए कार्गो मोटर बर्तन एमवी हैंगटोंग 70 को खींचने की एक और कोशिश में जहाज के साथ बंधी 3 रस्सियों को 12 से 15 मीटर तक घसीटने के बाद काट दिया गया। कुश्ती की कोशिश के दौरान जहाज लोहे और नाइलान की रस्सियों के साथ बंधे जाने के बाद वापस अपनी साबिका पोजीशन पर आ गया। जराया के मुताबिक जहाज का बचाव ऑपरेशन अगले माह तक मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि समंदर में ऊंची लहरों की खड़की ढलते चांद के साथ कम हो गई है। जहाज को दोबारा तैरने की कोशिश 06/09/08/02 को दोबारा शुरू होने का अम्कान है। समंदर में समंदरी लहरों की सूरत हाल के बाद बचाव ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की हतमी तारीफ दी जाएगी। जहाज एमवी हैंग